नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मेड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं ये वीडियो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये सीरीज का पार्ट फोर है पार्ट फोर में हम ई से हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं ई में रिदम को कैसे चेक करते हैं और ई सी जी वेवस के एक्सिस के डायरेक्शन को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देखेंगे अगर आपने बेसिक्स ऑफ ई के पहले तीन पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले वो तीन पार्ट्स देख लें ताकि आपको यह वीडियो समझने में आसानी हो इन वीडियोस के लिंक आपको यहां मिल जाएगी इसी से रेट करने का होता है इंटरवल हंड्रेडेड इन लार्ज बॉक्सेस और 1500 हंड्रेड डिवाइडेड बाय आर आर इंटरवल स्मॉल बॉक्सेस बट ये फॉर्मूला तभी वर्क करेंगे जब हार्ट रिदम रेगुलर होगा और स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन यूज होगा स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन के बारे के में बेसिक्स ऑफ ईसीजी के पार्ट टू में एक्सप्लेन किया गया है ईसीजी में रिदम चेक करने के लिए रिदम स्ट्रिप जो की ईसीजी में सबसे नीचे होती है उसे यूज किया जाता है रिदम स्ट्रिप मोस्टली लीड टू होती है जैसे कि इस जी में है रिदम चेक करने के लिए रिदम स्ट्रिप पे एक पेपर रखा जाता है और तीन कॉन्जिक्यूटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को पेन से मार्क किया जाता है पेपर को किसी भी तीन पे मूव किया जाता है और यह देखा जाता है कि क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस पेन मार्किंग के साथ अलाइन हो रहे कि नहीं सेम स्टेप फ्यू टाइम्स रिपीट की जाती है अगर हर बार अलाइनमेंट दिखाई दे रही है तो रिदम रेगुलर है ECG का कैलिब्रेशन बॉटम में दिखाई दे सकता है एसजी से रेट कैलकुलेट करते हैं आर इंटरवल लगभग फाइव लार्ज बॉक्सेस लॉन्ग है सो हार्ट रेट होगा 300 हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव मतलब 60 बीट्स पर मिनट आर आर इंटरवल ट्वेंटी फोर स्मॉल बॉक्सेस लॉन्ग है सो हार्ट रेट होगा फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर मतलब राउंडेड ऑफ टू बीट्स पर मिनट जैसा कि इस एग्जाम्पल से दिख रहा होगा सेकंड फार्मूला ज्यादा एक्यूरेट होता है इस ए की तरह रिदम इरेगुलर हो तो हमने हाइड्रेट के फॉर्मूलाज जो अभी डिस्कस किए उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं रिदम स्ट्रिप को 50 लार्ज बॉक्सेस के लिए रिकॉर्ड किया जाता है अगर पार्ट टू की कैलिब्रेशन पार्ट को याद करेंगे तो फाइव लार्ज बॉक्सेस वन सेकेंड बनाते हैं सो फिफ्टी लार्ज बॉक्सेस टेन सेकेंड्स बनाएंगे हाइड्रेट कैलकुलेट करने के लिए इन टेन सेकेंड्स में टोटल कितने क्यू आर एस आते हैं ये मेजर करना चाहिए जैसे इस एसीजी में टेन सेकेंड्स में टोटल फोर्टीन क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस है अगर इसे हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्सटी सेकेंड में कितने क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ये नंबर मिलेगा सो so, इस एसीजी में हार्ट रेट होगा फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाई मिनट एक्सिस डिटरमाइन करने के लिए पर्टिकुलर वेव के फ्रंटल प्लेन के पैटर्न को यूज किया जाता है इस एसीजी में क्यू आर कॉम्प्लेक्सेस के एक्सिस को डिटरमाइन करते हैं सबसे पहले तो ऐसी लीड देखी जाती है जिसमें इक्वीफिजिक डिफ्लेक्शन हो इस एस एजी में इक्वीफिजिक क्यू आर एस लीड एवियल में है जैसा कि आपको पता है किसी भी लीड में इक्वीफिजिक डिफ्लेक्शन होने के लिए वेक्टर उस लीड के एक्सिस को परपेंडिकुलर होना चाहिए मतलब क्यू आर एस वैक्टर एक तो सिक्सटी डिग्रीज की तरफ या माइनस वन ट्वेंटी डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए लीड टू में क्यू आर एस प्रोमेंटली पॉजिटिव है मतलब क्यू आर एस वैक्टर लीड टू के पॉजिटिव पोल की तरफ मतलब 60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए एसीजी में भी क्यू आर एस एक्सेस को डिटरमाइन करते हैं इक्विजिक क्यू आर एस लीड एवीआर में है इसीलिए क्यू आर एस वैक्टर एक तो माइनस सिक्सटी डिग्रीज की तरफ या वन ट्वेंटी डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए लीड थ्री में क्यू आर एस प्रोमिनेंटली निगेटिव है मतलब क्यू आर एस वैक्टर लीड थ्री के पॉजिटिव पोल से अवे डायरेक्टेड होना चाहिए सो क्यूआरएस वेक्टर एक्सिस का डायरेक्शन -60 डिग्री की तरफ होना चाहिए अगर ईसीजी में किसी भी लीड में इक्विफेसिक क्यूआरएस ना हो तो एक्सिस का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे ऐसे केसेस में नियरली इक्विफेसिक ऐसे बाईफेसिक डिफ्लेक्शन को कंसिडर करना चाहिए इस ईसीजी में लीड एवीएफ का क्यूआरएस नियरली इक्विफेसिक है जिसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन थोड़ा सा बड़ा है अगर लीड एवीएफ में इक्विफेसिक

माइनस फिफ्टीन डिग्रीज की तरफ सिमिलरली पी वेव एक्सिस के डायरेक्शन को भी डिटरमाइन किया जा सकता है लीड एवियल में वेव फ्लैटिज दिख रही है बट क्लोजली देखे तो पी वेव है। सो पी वेव वेक्टर लीड एवियल एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब कि एक तो सिक्सटी डिग्रीज की तरफ या माइनस वन ट्वेंटी डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए लीड टू में पी वेव पॉजिटिव है इसीलिए वेक्टर लीड टू के पॉजिटिव पोल की तरफ मतलब 60 डिग्रीज की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए इसी तरह आप पी वेव का एक्सिस डायरेक्शन भी डिटरमाइन कर सकते हैं मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये एक्सरसाइज करें अब तक आप इीजी के हर पार्ट के बारे में जान चुके हैं एक्सेप्ट ये पार्ट इसे स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल बोला जाता है इसकी हाइट और वेट वाई और एक्स एक्सिस के कैलिब्रेशन को दर्शाते हैं यूज कैलिब्रेशन के साथ स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल की साइज चेंज होती है फॉर एग्जाम्पल अगर वाई एक्सिस के कैलिब्रेशन को टेन एम mm पर मिलीवोल्ट से फाइव एम mm पर मिलीवोल्ट कर दिया जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल की हाइट हाफ हो जाएगी सिमिलरली एक्स एक्सिस का कैलिब्रेशन 25 फाइव mm एम पर सेकंड से 50 एम mm एम पर सेकंड कर दिया जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल की विथ डबल हो जाएगी स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल का शेप साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल ईसीजी मशीन के स्टाइलस और पेपर के बीच के प्रेशर को दर्शाता है अगर आपको नहीं पता तो सिंपल भाषा में स्टाइलस मशीन का पेन होता है जब प्रेशर नॉर्मल होता है तो ये एंगल राइट एंगल होते हैं और इसी रिकॉर्डिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता अगर प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो तो एंगल ब्लंड दिखाई देते हैं और इसी सिग्नल की ओवर डैम्पिंग होती है जिससे इसी वेव एम्पलीट्यूड में कम और ड्यूरेशन में ज्यादा दिखाई देती है अगर प्रेशर नॉर्मल से कम हो तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन के बीच शार्प स्पाइक्स दिखाई देते हैं इससे इसी सिग्नल की ओवर होती है जिससे इसी वेव एम्प्लीयूरेशन में ज्यादा और ड्यूरेशन में कम दिखाई देती है ईसीजी के कुछ फीचर्स होते हैं जिनके बिना ईसीजी को नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जा सकता जैसे सभी वेव्स और सेगमेंट के एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन विद इन नॉर्मल लिमिट्स 60 टू 100 पर मिनट के बीच रेगुलर हार्ट रेट नॉर्मल स्टैंडर्डाइजेशन सिग्नल पी क्यू और टी वेव के वेक्टर का डायरेक्शन 0 टू 90 डिग्रीज के बीच मतलब इस क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट के वेक्टर लीड एवीआर के पॉजिटिव पोल से अवे डायरेक्टेड होते हैं इसीलिए लीड एवीआर में निगेटिव पी क्यू और टी वेव लीड वी वन के आर और टी वेव का एम्पलीट्यूड लीड वी सिक्स के आर और टी वेव एम्पलीट्यूड से कम होना और आर वेव एम्पलीट्यूड का लीड वी वन से लीड वी फाइव तक ग्रेजुअली बढ़ते जाना अगर इनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक मिसिंग हो तो जी को नॉर्मल नहीं समझ सकते इसी के साथ बेसिक्स ऑफ जी का फाइनल और फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है अगली वीडियोस देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप कुछ होमवर्क करें एटलीस्ट टेन एसीजी देखिए यह देखिए कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल abnormal? अगर एबनॉर्मलिटी है तो उसे नोट डाउन करें डायग्नोसिस के बारे में अभी ना सोचे जैसे जैसे आप पैथोलॉजिकल इसीजी के वीडियोस देखेंगे तो ये देखें कि एबनॉर्मल इसीजी का डायग्नोसिस बना पा रहे इस तरह आप खुद की प्रोग्रेस को भी असेस कर पाएंगे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग